हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर मैं स्वरूप सर आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का चैप्टर है स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज बारी है इस चैप्टर का नोट्स लिखने की, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने दो लेक्चर के माध्यम से 9A और 9B के माध्यम से आपको मैंने लेक्चर दिया था कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है स्वेस महोदय के अनुसार, नई मत के अनुसार, और चाहे नई मत हो चाहे स्वेस हो, इसको देने का आधार क्या था, प्राकृतिक सोर्सेस और अप्राकृतिक सोर्सेस। प्राकृतिक सोर्सेस में था भूकंप और ज्वालामुखी, और अप्राकृतिक में था ताप, दाब, घनत्व के आधार पर हम पृथ्वी के इंटरनल भाग को जाने थे लेक्चर के माध्यम से। आज बारी है इस चैप्टर का नोट्स लिखने की। नोट्स का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट का चैप्टर है स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके छात्रगण, तो हम आज इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट नोट्स लिखने का प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरह जानना असंभव है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरह जानना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई में प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इतनी गहराई में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। क्योंकि क्योंकि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर, प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अतः खुदाई करके पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानना, असंभव कार्य है। उसमें लिखिएगा, उसी में, विश्व की सबसे गहरी खान, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका की, जोहान्सबर्ग सोने की खान है, जिसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर है, एवं आधुनिक मशीनों से तेल की प्राप्ति के लिए खोदे गए कुएं भी
खोदी गई कुआं, तिल कुआं, खोदी गई कुएं भी 10 से 12 किलोमीटर से अधिक गहरी नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर से अधिक गहरी नहीं है, जबकि धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक, जबकि धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई 6371 किलोमीटर 71 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की गहराई 6371 किलोमीटर है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी बहुत सीमित है, तो छात्रगण, मैंने बताया अभी एक परिचय। जैसे देखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी के इंटरनल भाग को जानने का जो जाना गया अभी तक, वो खुदाई करके नहीं जानी जा सकती, क्योंकि अभी तक विश्व की गहरी जो खुदाई है वो तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर ही है, जबकि पृथ्वी की गहराई तो 6371 किलोमीटर तक है। निश्चित तौर पे तापमान जब प्रत्येक 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जा रही है, जब तापमान बढ़ जा रहा है, तो निश्चित तौर पे खुदाई करके तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तापमान तो बढ़ती जा रही है। अतः हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि हमारा ज्ञान इस मैटर पर बहुत ही सीमित है, फिर भी इस पृथ्वी के इंटरनल भाग को जानने का दो बेस है। एक बेस है अप्राकृतिक घनत्व, दाब, ताप, अंदर का कैसा है, उस आधार पर भी हम जान सकते हैं कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है। और एक है भूकंप और ज्वालामुखी जो पृथ्वी से आती है कई 100 किलोमीटर के नीचे से, उससे भी हम पृथ्वी के इंटरनल भाग को जान सकते हैं। ओके छात्रगण, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैरा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले साधनों को मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक सोर्स, में विभाजित किया जाता है, उसमें लिखिएगा, चिन्ह मत कीजिएगा, पैरा को चिन्ह मत कीजिएगा, उसमें लिखिएगा प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत
प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप शामिल है, जबकि अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत अंतर्गत घनत्व दाब और तापमान को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पैरा छात्रगण लिखिएगा, पैराचंद कीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए उपर्युक्त दो स्रोतों को आधार रखी गई है। उसमें से ताप दाब घनत्व ज्वालामुखी भूकंप इत्यादि मुख्य स्रोत है। जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में सहायता मिलती है। जो इस प्रकार है। लिखिए नंबर वन घनत्व, जो इस प्रकार के बाद लिखिए नंबर वन घनत्व डेंसिटी, इसमें लिखिए पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 दिखाता है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 5.5 है, या सीधा लिख सकते सिर्फ 5.5 है, 5.5 है, उसी में पृथ्वी का 5.5 है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो महाद्वीपों का बना है, कॉन्टिनेंट है सबसे ऊपरी भाग, जो महाद्वीपों का बना है, इसकी रचना परतदार चट्टानों से हुई है, सेडिमेंटरी रॉक्स, इसकी रचना परतदार या उसके नाम एक और नाम है परतदार या अवसादी, अंग्रेजी में सेडिमेंटरी, परतदार या अवसादी
चट्टानों से हुई है, जिसका औसत घनत्व 2.7 है, 2.7 है, जबकि इसके नीचे, मेंटल का घनत्व, मेंटल हम पढ़ेंगे बाद में क्रस्ट मेंटल कोर, जबकि इसके नीचे मेंटल का घनत्व 3.5 है। एवं सबसे अंतिम क्रोड, वही क्रस्ट मेंटल क्रोड, जबकि सबसे अंतिम क्रोड का घनत्व 11 से लगभग 14, 11 से 14 या उससे भी अधिक है। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की रचना एक जैसी नहीं है। साथ ही साथ यह भी जान सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी पदार्थों से, हैवी एलिमेंट से, भारी तत्वों से बना है। खासकर लोहा और निकेल से, इसलिए इसलिए पृथ्वी का घनत्व अंदर की ओर ज्यादा है, ओके छात्रगण, तो आपने देखा कि घनत्व से हम कैसे पृथ्वी के सोर्सेस को, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हम घनत्व से जान सकते हैं। तो हम ये जान गए कि पृथ्वी का डेंस कैसा है। ऐसे में हम फिर आगे चलेंगे, अभी हम आपको सिर्फ बताए घनत्व के बारे में, मतलब इसके आधार पर भी पृथ्वी के घनत्व को जाना जा सकता है। छात्रगण लिखिए, सेकंड पॉइंट दबाव लिखिए आप लोग, सेकंड पॉइंट में दबाव, नंबर टू पॉइंट दबाव, प्रेशर। ओके छात्रगण, तो हम यहां ही देखेंगे कि दबाव के आधार पर भी हम पृथ्वी के इंटीरियर भाग को समझ सकते हैं। देखिए दबाव का फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, किसी स्थान पर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर, पर पड़ने वाले भार को पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं, प्रेशर कहते हैं।
उसी में यह दबाव उस क्षेत्र के ऊपर, यह दबाव उस क्षेत्र के ऊपर ऊपर स्थित चट्टानों के भार से उत्पन्न होता है। यह दबाव उस क्षेत्र के ऊपर स्थित चट्टानों के भार से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पैरा लिखिए, या नेक्स्ट पॉइंट उसी में, उसी का नेक्स्ट पॉइंट, क्रस्ट की अपेक्षा। क्रस्ट देखिए, हम बोल रहे हैं क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है। क्रस्ट, क्रस्ट की अपेक्षा, मतलब उसके अपेक्षा नीचे बोल रहे हैं, क्रस्ट की अपेक्षा 50 किलोमीटर की गहराई पर, क्रस्ट की अपेक्षा मतलब ऊपर के भाग की अपेक्षा नीचे, क्रस्ट की अपेक्षा 50 किलोमीटर नीचे, 50 किलोमीटर नीचे की गहराई पर 13,000 गुना अधिक, 13,000 गुना अधिक वायुमंडलीय दबाव होता है। 13,000 गुना अधिक वायुमंडलीय दबाव होता है। इसी प्रकार 2900 किलोमीटर की गहराई पर, इसी प्रकार 2900 किलोमीटर की गहराई पर, मतलब बोल सकते हैं जहां से कोर शुरू होगी, 2900 किलोमीटर की गहराई पर 13 लाख तथा केंद्र पर 35 से 40 लाख वायुमंडलीय दाब मतलब भार होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव बहुत अधिक होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव बहुत अधिक होता है। उसी में लिखिएगा, निश्चित तौर पे इस दबाव, निश्चित तौर पे इस दबाव की जो विभिन्नता दिखाई पड़ती है, उससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टाने एक समान नहीं है। आंतरिक भाग की चट्टाने एक समान नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर थर्ड, तापमान, टेम्परेचर। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है तापमान, टेम्परेचर। इसमें लिखिए, साधारण रूप से पृथ्वी के भीतरी भागों में जाने से तापमान में वृद्धि
होती है। साधारणतः पृथ्वी के भीतरी भागों में जाने से तापमान में वृद्धि होती है। अनुमान है कि 32 किलोमीटर की गहराई पर प्रति 32 लिखेगा प्रत्येक या प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अर्थात प्रति 100 मीटर पर अर्थात प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान अर्थात प्रति 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता नहीं चल पाता। तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता नहीं चल पाता। उसी में यदि गहराई के साथ तापमान की सामान्य वृद्धि आकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और ऐसे में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघला हुआ होना चाहिए। परंतु ऐसा है नहीं। अर्थात यह भी स्पष्ट है कि किसी खास गहराई के बाद तापमान की वृद्धि दर घटते चली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग की बनावट एक समान नहीं है। ओके छात्रगण, तो अभी तक मैंने ये समझा कि स्थल मंडल के जो
इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ है उसको जानने का सोर्स है, एक अप्राकृतिक है और एक अप्राकृतिक है। इस आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जान सकते हैं। अब हम लिखवाने जा रहे हैं आपको कि ये तो अप्राकृतिक सोर्सेस है, प्राकृतिक सोर्सेज ज्वालामुखी भूकंप के आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट पैरा में, लेकिन नेक्स्ट पैरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का एक आधार ज्वालामुखी और भूकंप भी है। भूकंप भी है, उसमें लिखिएगा, उसी में ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय बड़ी मात्रा में, ज्वालामुखी उद्गार के समय बड़ी मात्रा में लावा, मैग्मा पृथ्वी के ऊपर धरातल पर फैल जाता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी के समय जलवाष्प, गैस, धूलकण इत्यादि भी बाहर आते हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी के समय जलवाष्प, गैस, धूलकण इत्यादि भी बाहर आते हैं। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि पृथ्वी के भीतरी भाग का कुछ भाग, पृथ्वी के भीतरी भाग का कुछ भाग अवश्य द्रवित, लिक्विड अवश्य द्रवित अवस्था में है। परंतु अधिकांश ज्वालामुखी का स्रोत, चालीस से 50 किलोमीटर की गहराई है, 40 से 50 किलोमीटर की गहराई है, अतः ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर, पृथ्वी की संपूर्ण, आंतरिक जानकारी, अतः ज्वालामुखी के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, नेक्स्ट पैरा, प्राकृतिक स्रोतों में, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, जानने का मुख्य स्रोत, भूकंप विज्ञान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप विज्ञान है। जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट,
बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, उपलब्ध है। क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति स्थान से जो भूकंप की लहरें उठती है, जो भूकंप की लहरें उठती है, लहरें उठती है, उनका अध्ययन कर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी, अतः भूकंप विज्ञान पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का, अतः भूकंप विज्ञान पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो छात्रगण, हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का दो बेस है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक में भूकंप और ज्वालामुखी का रोल है, उस आधार पर भी हम पृथ्वी के भाग को जान सकते हैं, और ताप दाब घनत्व में विभिन्नता है, इस आधार पर भी हम कुछ समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल और जो जितने सोर्सेस हैं उसमें से सिस्मोलॉजी दैट मीन्स भूकंप विज्ञान पृथ्वी के इंटरनल भाग को जानने का सबसे अच्छा सोर्स है। तो छात्रगण, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार नई ऊर्जा के साथ फिर इसी चैप्टर के नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक ओके, थैंक यू।